Hello guys, Nick here and watching Let Me Flow. This is another video where you will get some interesting sentences related to our daily life. By the end of this video, you will definitely learn something new. So friends, without any further ado, let's jump to the video. वह हमारे खानदान का चिराग है. He is our family's hair. He is our family's hair. उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. He should not get any difficulty. He should not get any difficulty. तुम उसका ख्याल रखोगे. You will take care of him. You will take care of him. यह तुम्हारी जिम्मेदारी है. It's your responsibility. It's your responsibility. तुम एक काबिल इंसान हो. You are a responsible person. You are a responsible person. क्या तुम आज खाली हो. Are you free today? Are you free today? मुझे बहुत सारा काम करना है. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. आज हम घूमने गए थे. We went to Rome today. We went to Rome today. Rome word हम तब यूज़ करते हैं जब आप कहीं जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन बिना किसी आइडिया के. आज सचिन का एक्सीडेंट हो गया. सचिन मैट विद एन एक्सीडेंट टुडे. सचिन मैट विद एन एक्सीडेंट टुडे. उसके हाथ में चोट आई है. हिज हैंड हैज़ गॉट इंजर्ड. हिज हैंड हैज़ गॉट इंजर्ड. अचानक स्कूटी के आगे का टायर फिसल गया. द फ्रंट टायर ऑफ स्कूटी स्लिप्ड सडनली. द फ्रंट टायर ऑफ स्कूटी स्लिप्ड सडनली. बारिश की वजह से स्कूटी फिसल गई. स्कूटी स्लिप्ड ड्यू टू रेन. स्कूटी स्लिप्ड ड्यू टू रेन. मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ. डोंट ब्लेम मी. डोंट ब्लेम मी. मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है. आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग. आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग. उसकी बातों में मत आओ. डोंट गेट इन टू हिज टॉक्स. या फिर आप अट्रैक्टिव वे में कह सकते हैं डोंट बिलीव हिज वर्ड्स. वह तुम्हें भटका रहा है. ही इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू. ही इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू. वह कर्जे में है. ही इज़ इन डैट. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ही इज़ इनडेटेड. तुम बाद में पछताओगे. यू विल रिग्रेट लेटर. यू विल रिग्रेट लेटर. तुम्हें मौका मिला है. यू हैव गॉट चांस. यू हैव गॉट चांस. उसकी पसंद अच्छी है. ही इज़ अ मैन ऑफ गुड टेस्ट. ही इज़ अ मैन ऑफ गुड टेस्ट. तुम दोनों की आपस में बोलचाल नहीं है. यू बोथ आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. यू बोथ आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए. यू शुड नॉट लीव हिज कंपनी. यू शुड नॉट लीव हिज कंपनी. वह तुम्हारा लंगोटिया यार है. ही इज़ योर चम. ही इज़ योर चम. तुम्हें क्या परेशानी है. What's wrong with you? What's wrong with you? तुम दुखी दिख रहे हो. You seem to be upset. You seem to be upset. अब तुम बच्चे नहीं हो. You are not a child now. You are not a child now. तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है. You don't know how to cook. You don't know how to cook. इसका स्वाद कैसा है. How does it taste? How does it taste? खाना बहुत तीखा है. Food is very spicy. Food is very spicy. तुम शादी करने वाले हो. You are about to get married. You are about to get married. अपने काम से काम रखो. Mind your own business. Mind your own business. बाहर जाने का रास्ता कहाँ है. Where is exit? Where is exit?
मैं यहाँ फंस गया हूँ. आई एम स्टक हेयर. आई एम स्टक हेयर. मैं यहाँ भटक रहा हूँ. आई एम वॉन्डरिंग हेयर. आई एम वॉन्डरिंग हेयर. जब कहीं आप रास्ता भूल जाते हैं फिर इधर उधर जो भटकते हैं उसके लिए हम वॉन्डर वर्ड यूज़ करते हैं. इसमें हंसने की क्या बात है. व्हाट इज़ देयर टू लाफ. व्हाट इज़ देयर टू लाफ. मेरा हंसने का मन कर रहा है. आई फील लाइक लाफिंग. आई फील लाइक लाफिंग. वह एक जाना माना व्यक्ति है. ही इज़ अ वेल नोन पर्सन. ही इज़ अ वेल नोन पर्सन. ऐसा मत सोचो. डोंट थिंक सो. डोंट थिंक सो. छीना झपटी मत करो. डोंट स्क्रैम्बल. डोंट स्क्रैम्बल. ऐसी हरकतें मत करो. डोंट डू सच एक्टिविटीज़. डोंट डू सच एक्टिविटीज़. अपने आप को सुधार लो. इम्प्रूव योर सेल्फ. इम्प्रूव योर सेल्फ. क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ. कुड आई टेक अ फ़ोटो विद यू. कुड आई टेक अ फ़ोटो विद यू. आप कहाँ से हो. वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू फ्रॉम. मैं इंग्लैंड से हूँ. आई एम फ्रॉम इंग्लैंड. आई एम फ्रॉम इंग्लैंड. आपको इंडिया आकर कैसा लगा. हाउ डिड यू फील कमिंग टू इंडिया. हाउ डिड यू फील कमिंग टू इंडिया. यहाँ के लोग कैसे हैं. हाउ आर पीपल हेयर. हाउ आर पीपल हेयर. उन्होंने कैसा बर्ताव किया. हाउ डिड दे बिहेव. हाउ डिड दे बिहेव. सभी ने अच्छा बर्ताव किया. ऑल बिहेव्ड वेल. ऑल बिहेव्ड वेल. आप यहाँ कितने समय के लिए रुकोगे. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर. आप अभी कहाँ ठहरे हुए हो. वेयर हैव यू स्टेड नाउ. वेयर हैव यू स्टेड नाउ. मैं यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ. वेयर ऑल कैन आई विजिट हेयर. वेयर ऑल कैन आई विजिट हेयर. क्या आप कैनॉट प्लेस गए हो. हैव यू बीन टू कनॉट प्लेस. हैव यू बीन टू कनॉट प्लेस. तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए. यू मस्ट गो देयर. यू मस्ट गो देयर.